अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आए हैं केमाड़ी के पोर्ट बोटिंग करने। यह हमारी प्राइवेट क्रूज़ है जिसको हमने बुक कराया है। ये हम लोकल भी आप आके यहाँ पर राइड एंजॉय कर सकते हैं, पर हमने अपनी प्राइवेट क्रूज़ बुक करवाई हुई थी। तो हम उसके प्राइवेट एरिया, उनके लिए अलग स्पेशल एरिया है जहाँ से उनका वहाँ से वो बैठ सकते हैं, तो हम उस साइड जा रहे हैं। तो हमारी प्राइवेट क्रूज़ है बुक। आज मैं आपको क्रूज़ का टूर करवाऊंगी अपने साथ और अंदर की सब चीज़ें दिखाऊंगी है आपको। प्राइवेट क्रूज़ में क्या क्या आप इन्जॉय कर सकते हैं। तो ये हमारी प्राइवेट क्रूज़ है और ये मेरे सारे फ्रेंड्स और हम लोग की गैदरिंग है। तो ये सब एक एक करके अपने क्रूज़ पे जा रहे हैं। हमने इसमें रात तक की बुकिंग करवाई हुई है। तो आइए, मैं आ चुकी हूँ अपने क्रूज़ पर। पर्ल क्रूज़ को मैंने बुक करवाया था और ये मैं इसका आपको एक एक चीज़ दिखाऊँगी। ये इसका मेन फ्रंट एरिया है जहाँ आप इन्जॉय कर सकते हैं, पिक्चर्स ले सकते हैं, जैसे मैं अपनी वीडियोज़ बनवाती हुई। और बहुत ही इस वक्त काफ़ी धूप थी तो हम सब बैठे हुए हैं, थोड़े से धूप का कम होने का वेट कर रहे थे। तो यहाँ पर प्राइवेट नेवी का एरिया है क्योंकि वीडियोग्राफी यहाँ पर अलाउड नहीं है, फिर भी हम लोगों ने कोशिश करके बना ली। ये रही मैं, बहुत तेज़ धूप थी लेकिन मज़ा बड़ा आ रहा था, हवा अच्छी थी, थोड़ी सी मछलियों की स्मेल भी आ रही थी। तो आपको टॉलरेट करनी पड़ेगी अगर आपको व्यू इन्जॉय करना है। इसके साथ साथ हम बोट के ऊपर एरिया में आ गए हैं, तो मैं ऊपर का एरिया दिखा दूँ। अभी काफ़ी धूप है, थोड़ी सी धूप सेटल डाउन हो जाए तो बड़ा मज़ा आएगा। तो ये ऊपर का एरिया है प्राइवेट का, अच्छा खासे लोग वहाँ बैठ के इंजॉय कर सकते हैं। इंडोर गेम्स रखे हुए हैं यहाँ पर और अभी काफ़ी धूप है तो इसलिए ये इतना हसीन सा व्यू। और ये रही मैं अपनी वीडियोस बनवाती हुई, काफ़ी इंजॉय कर रही हूँ मैं। हवा है और यहाँ पर मैं बैठ के पूरा व्यू इंजॉय कर रही हूँ। बोट्स हैं, लोकल बोट्स हैं, फिशिंग लोग फिशिंग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मछेरे अपनी मछलियाँ, क्योंकि यहाँ से पोर्ट है तो यहाँ से जाते होते हैं। मैं व्यू एंजॉय करती भी, बड़ा सुकून है, आप दिल भर के सनसेट का व्यू एंजॉय कर सकते हैं और मतलब खूब एंजॉय कर सकते हैं। जिनको बोटिंग का शौक है तो ज़रूर इसको एंजॉय करें। और मैं ये रही एंजॉय करते अपनी कोल्ड ड्रिंक और इस वक्त सनसेट हो रहा है और ये बड़ा ही हसीन कोई व्यू था इस वक्त सनसेट का, बिल्कुल ही सुकून वाला। और मगरिब का टाइम हो रहा है, सूरज ग़ुरूब हो रहा है, पानी चढ़ रहा है और एक अलग सी ही हवा है और सुकून है। इतना एंजॉय करने के बाद हम लोग को लगी थी भूख, तो हमारा बुफेट सेट हो चुका है। इसमें हाई टी थी, ये रहा हमारा पिज्ज़ा, सैंडविचेस, सब वीडियोस बनाने में लग गए थे, ये पेटीज और बर्गर्स, बर्गर बड़े मज़े का था और सब कुछ बहुत ही फ्रेश था। और मैं इंजॉय कर रही हूँ सनसेट, क्योंकि मुझे मगरब के टाइम का व्यू बड़ा ही हसीन लग रहा था। ये रहा केक और सब ने खूब इंजॉय किया था, हम लोगों ने खूब खाया भी था। और मैं अपनी प्लेट दिखाती चली चलूँ। ये मैंने लिए थे पेटीज, सैंडविचेस, पिज़्ज़ा, थोड़ा सा केक और व्यू के साथ। अब मैं आपको पूरा क्रूज़ का टूर करवाऊंगी। ये मेन क्रूज़ है जहाँ से हैंडल करता है कैप्टन। ये इसका बेसमेंट एरिया था, ये इसका मिरर लगा हुआ है, ये जो बेसमेंट में जाता है एरिया। उसके बाद ये रही मैं जो रात के व्यू में, रात का व्यू इतना कुछ खास नहीं था बिकॉज अंधेरा हो जाता है तो आपकी सिर्फ बोट की लाइटिंग होती है। और ये प्राइवेट एरिया था, मतलब फर्स्ट फ्लोर वाला, इस पर भी फुल एसी था और बड़ा ही कम्फर्टेबल था। बाथरूम बड़े क्लीन थे, बार बार क्लीन कर रहे थे इनके सर्वेंट्स। और ये ऊपर का एरिया है जो अब धूप कम ख़त्म हो गई है तो अब बड़ा ही सुकून था। तो सब यहाँ पर बैठ के बातें कर रहे थे, खेल रहे थे, सॉन्ग्स सब सुन रहे थे, गा रहे थे, तो बड़ा ही मज़ा था, बड़ा ही सुकून था, बड़ा ही अच्छा ट्रिप रहा। तो आपको भी अगर इसको बुक करवाना तो ज़रूर बुक करवाएं। अब हम लोग अपने वापस जा रहे हैं तो बस हम लोग उतरने वाले हैं। तो ये था मेरा आज का क्रूज़ का एक्सपीरियंस। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, कमेंट करें और लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।